हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इंडिया मार्ट पर बात करने वाले हैं, और अगर हम लोग इंडिया मार्ट के चार्ट को थोड़ा देखें दोस्तों शॉर्ट टर्म के, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडिया मार्ट फरवरी के महीने से लगातार ये गिरावट के मोड में चल रहा था। काफी महीनों तक ये गिरावट दिखाया, तकरीबन अगस्त के महीने तक इसने गिरावट दिखाया। इसमें वापस रिकवरी शुरू हुई, उसके बाद फिर से इसमें करेक्शन देखने को मिला, अब वापस ये अपटीक दिखा रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों, इसके शॉर्ट टर्म ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है? इससे दोस्तों हम लोगों को यही समझ में आ रहा है कि ये जो स्टॉक है इंडिया मार्ट का, ये रिकवरी के फेज में चल रहा है। ये कोशिश कर रहा है कि ये पुराने जो लाइफ हाई थे उसको ये दोबारा टेस्ट करे, ऐसा इसके शॉर्ट टर्म के चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं। तो क्या इंडिया मार्ट के शेयर वापस अपने प्रीवियस हाई को छू पाएंगे? इसी बात की चर्चा हम लोग इस एनालिटिकल वीडियो में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस प्रकार की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार आप व्यूअर्स के साथ शेयर करता रहता हूं, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक के बारे में बातें करते रहते हैं, उसके रिव्यू वीडियो भी बनाते रहते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि मेरी कोशिश रहती है कि आप व्यूअर्स मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखो, क्योंकि इसमें बहुत सारे बीच बीच में इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी होते हैं। अगर आप स्किप करके देखोगे तो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मिस कर जाओगे, और उसकी वजह से आप गलत डिसीजन भी ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप शुरू से अंत तक बने रहोगे। तो अब हम लोग दोस्तों सीधे चले आते हैं इंडिया मार्ट के जो रिटर्न प्रोफाइल है उसको हम लोग चेक करते हैं कि आखिर इंडिया मार्ट ने अभी तक अपने निवेशकों को कैसा रिटर्न दिया है। तो हम लोग लास्ट वन मंथ की बात करें तो ये तकरीबन 1% का रिटर्न दिया है, लास्ट सिक्स मंथ की बात करें तो ये तकरीबन 12% का रिटर्न दिया है, ईयर टू डेट में 25% का रिटर्न, एक साल में तकरीबन 76% का रिटर्न, लास्ट फाइव ईयर्स में 564% का रिटर्न। यानी कि इसने अपने छोटे से लाइफ टाइम में अपने निवेशकों का पैसा 6 गुना से ज्यादा करके लौटा दिया है। तो काफी जबरदस्त स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस दिखाया है इंडिया मार्ट के शेयर ने। तो दोस्तों, क्या आने वाले दिनों में भी इंडिया मार्ट के शेयर इसी प्रकार के परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं? तो जरूर दिखा सकते हैं दोस्तों, अगर इसके जो पास्ट के परफॉर्मेंस हैं वो फ्यूचर में भी रिपीट करते हुए अगर हम लोग देखें तो क्यों नहीं दिखा सकते हैं पास्ट के परफॉर्मेंस से फ्यूचर में। तो दोस्तों, हम लोग अब आगे ये समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में इंडिया मार्ट ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, उसके बाद ही हम लोग ये कुछ प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आने वाले दिनों में इंडिया मार्ट के शेयर भाव किस प्रकार से बदल सकते हैं। चलिए हम लोग इसके फंडामेंटल पर भी एक नजर डाल देते हैं, फोकस डाल देते हैं। तो यहाँ पर अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो ये तकरीबन 27,000 करोड़ की कंपनी दिख रही है। वही रिटर्न ऑन इक्विटी काफी शानदार 30% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39%, दोनों के दोनों ही प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो काफी शानदार देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर प्रमोटर्स की होल्डिंग तकरीबन 50% है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 64 times बहुत ही बेहतरीन है, और ये कंपनी डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, इसके जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी सही हैं, बहुत ही मार्वेलस देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि ये कंपनी पास्ट में किस प्रकार के रिजल्ट लेकर के हम निवेशकों के सामने आई है जिसके चलते इसने इतना मार्वेलस रिटर्न दिया है। तो हम लोग दोस्तों स्क्रीन पर इंडिया मार्ट के जो एनुअल रिजल्ट रहे हैं FY15 से देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, इनके जो सेल्स हैं
लगातार ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और टीटीएम बेसिस पर तो इसने लाइफ टाइम हाई का सेल्स रिपोर्ट किया है। वहीं पर अगर सेम पीरियड में इनके जो इंटरेस्ट बर्डन है उसको भी देखा जाए तो ये काफी मिनिमल लेवल पर मेंटेन है, काफी कम इंटरेस्ट बर्डन है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर काफी कम कर्ज है। तो ये डेट बर्डन वाली कंपनी नहीं है, ये लो डेट वाली कंपनी है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए भी अच्छी होती है और उसके शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी होती है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि ये कंपनी तो रेवेन्यू बढ़ा पाई, इसके नेट प्रॉफिट निकले कि नहीं। तो स्टार्टिंग के 3 इयर्स में इसने लॉस बुक किया, उसके बाद ये कंपनी वापस प्रॉफिट में आई, और हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि लगातार इसके प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है दोस्तों, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में भी आई और इसके सेल्स भी काफी अच्छा ढंग से ग्रो कर रहे हैं। लास्ट 5 इयर्स में इनके सेल्स 21% CAGR से बढ़ते हुए देख रहे हैं, लास्ट 5 इयर्स में इनके प्रॉफिट ग्रोथ 35% से बढ़ रहे हैं। तो काफी बढ़िया ग्रोथ है, तो कहीं भी किसी भी तरीके से इसके जो पास्ट के रिजल्ट रहे दोस्तों वो कहीं भी खराब देखने को नहीं मिल रहा, और इसीलिए इस कंपनी ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म की, इस शॉर्ट टर्म यानी कि क्वार्टरली बेसिस पर इसके रिजल्ट कैसे आए। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि जून क्वार्टर में इसके जो रेवेन्यू है मार्च क्वार्टर से ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि इनके सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग लास्ट ईयर जून क्वार्टर से इनके सेल्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर भी हम लोगों को तगड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो ये काफी अच्छी बात है। तो सेल्स तो इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बढ़े। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट की, कि नेट प्रॉफिट का क्या हाल है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि मार्च क्वार्टर के रिस्पेक्ट में जून क्वार्टर में इनके नेट प्रॉफिट में काफी तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनके रिजल्ट काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर हम लोग लास्ट ईयर जून क्वार्टर के नेट प्रॉफिट को भी लास्ट ईयर जून क्वार्टर के नेट प्रॉफिट को भी अगर कंपेयर करें तो यहां पर भी हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही जबरदस्त ढंग से इस कंपनी के बिजनेस ग्रो कर रहे हैं और रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि जब ये कंपनी Q2 के भी नतीजे लेकर के हम इन्वेस्टरों के सामने आएगी तो इसमें हम लोग काफी तगड़ा ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं, इसके पास्ट के परफॉर्मेंस को देखते हुए और रिसेंट के परफॉर्मेंस को देखते हुए। अब दोस्तों बात करते हैं कि कंपनी इतनी तगड़ी है तो बड़े निवेशकों का रुझान इस कंपनी के ऊपर कैसा है, भरोसा कैसा है, उसको भी जान लेना काफी जरूरी हो जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हम लोग जून क्वार्टर में देख रहे हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग तकरीबन 50%, FIs की होल्डिंग तकरीबन 27%, DIs 5% और पब्लिक की होल्डिंग तकरीबन 19% के आसपास है। तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं दोस्तों कि FIs की होल्डिंग सितंबर 2019 के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो यहां पर देख रहे हैं कि इन्होंने अपना स्टैक ऑलमोस्ट 2.5 टाइम से बढ़ाया है लंबे समय में। हालांकि शॉर्ट पीरियड में बात करें तो इन्होंने हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन लंबे समय में FIs ने अपना स्टैक इस कंपनी में बढ़ाया है, यानी कि FIs इस स्टॉक को लेकर के काफी कॉन्फिडेंट हैं। वहीं पर अगर DIs की भी बात करें तो DIs की भी होल्डिंग लंबे समय में हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा खासा जंप होता हुआ देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर पब्लिक शेयर होल्डिंग सितंबर 19 में तकरीबन 33% थी, वो घट करके अब मात्र 19% के आसपास रह गई है। तो जहां भी पैसे बनते हैं दोस्तों वहां से रिटेल इन्वेस्टर गायब हो चुके होते हैं, ऐसा नॉर्मली देखा गया है। यही चीज हम लोगों को इंडिया मार्ट के शेयर में भी देखने को मिल रहा है। तो ये तो बातें दोस्तों चलती रहती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कंपनी अच्छी कर रही है, बड़े निवेशकों का अभी कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस शेयर में अब इन स्तरों से जो रिकवरी चल रही है वो पूरी होते हुए हम लोग देख पाएंगे आने वाले दिनों में। और इसने जो लाइफ हाई लगाया था दोस्तों फरवरी महीने में वो तकरीबन 10,000 का लेवल देखने को मिल रहा है, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि इंडिया मार्ट के शेयर जल्द ही 10,000
के आसपास ट्रेड करते हुए हम लोग देख पाएंगे। दोस्तों डेली चार्ट को देख करके क्या समझ में आ रहा है, ये देखिए एक अगर हम लोग हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं तो ये जो लाइन है दोस्तों इंडिया मार्ट के शेयर के लिए काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। इस लेवल पर देखिए ये यहाँ पर गया लेकिन इसे तोड़ नहीं पाया और ये वापस गिर गया, फिर इसमें काफी दिनों तक कंसोलिडेशन चला, फिर वापस इसने कोशिश की लेकिन वापस गिर गया। अब ये तीसरी बार कोशिश कर रहा है इसी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस को तोड़ने की, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि अब इसके क्वार्टर टू के नतीजे जैसा कि हम लोगों ने उम्मीद लगाया कि अच्छे आएंगे, तो इस बार ये इस रेसिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर अवश्य निकलेगा और हम लोग जल्द ही इस शेयर को अपने प्रीवियस जो हाई थे तकरीबन 10,000 के आसपास उस लेवल पर जाता हुआ देखेंगे। और अगर इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो इसके टारगेट क्या हो सकते हैं दोस्तों, तो उसके लिए हम लोगों को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करने होंगे, उसके बाद इसके टारगेट पर बात करेंगे। हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लिए हैं दोस्तों, तो इमीडिएट जो टारगेट निकल करके आ रहा है इंडिया मार्ट के शेयर में वो देखिए कौन सा लेवल है, तो ये यहाँ पर रहा, ये तकरीबन 12,000 का लेवल है। तो आप इसे नोट डाउन कर लें कि जो रिकवरी इंडिया मार्ट के शेयर में चल रही है वो रिकवरी अगर कंप्लीट हो जाती है तो इमीडिएट ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा और उसका जो पहला टारगेट होगा वो 12,000 का रह सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपके भी पोर्टफोलियो में इंडिया मार्ट के शेयर होंगे, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करोगे कि आपने किस भाव पर इंडिया मार्ट के शेयर को लिया है और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इंडिया मार्ट के शेयर से, वो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताओगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।